दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से अकाउंटिंग कोर्स सीख रहे हो, तो वहां पर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के साथ साथ या आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हो उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी जरूर सीख लेना, क्योंकि हमारा सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं करता, हमें अकाउंटिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सहारा लेना पड़ता है। तो और आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो एक हर एक अकाउंटेंट को आना जरूरी है, जिसमें हमारा एक है जोड़ करना, यानी कि हम जोड़ करने का फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करते हैं, कटाव करने का, गुणा करने का, बात करने का, परसेंटेज करने का, और इसके साथ साथ हम परसेंटेज प्लस टोटल दोनों का फॉर्मूला एक साथ किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसा कि आप अभी यहां पर देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी टाइप का अगर कोई डाटा चेंज करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 100 और 100 और प्लस 200 इक्वल हो जाएगा हमारा 300, तो ये हमारा फॉर्मूला का जो ये जो रिकॉर्ड है ये किस प्रकार से चेंज हो रहा है, हमने किस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जोड़ करने के अलग अलग एंगल से हम फॉर्मूला सीखने वाले हैं, तो किस प्रकार से फॉर्मूला आपको प्रॉपर एक्सेल के अंदर लगाना आना चाहिए। तो वीडियो का पूरा एंड तक देखोगे तो आप सभी इन बेसिक फॉर्मूला के बारे में सीख जाओगे और आप इसकी ट्राई अपने घर पे भी जरूर करना सीखने के पर्पस से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुतार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी से अकाउंटिंग से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो शुरुआत कर देते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भी हम जोड़ करने का फॉर्मूला किस प्रकार से लगाते हैं एक्सेल में। तो अब आपके पास एक्सेल का वर्जन कोई भी हो सकता है, 2010 हो सकता है, 13 हो सकता है, उसके बाद 16, 19 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला जो यूज होगा वो सभी के अंदर बिल्कुल बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम शीट नंबर 2 पे चलते हैं। अब जैसा कि हमारे पास कुछ ये 4 रिकॉर्ड है और इसका रिजल्ट हमें यहां चाहिए, यानी कि इन सभी का हमें टोटल करना है। तो टोटल करने का मतलब क्या हो गया भी हमें इन 4 संख्या का जोड़ हमें करना है। तो अब जोड़ करने के लिए हमें सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सम का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम टाइप करेंगे बराबर सम, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे उसके बाद हमारे से पूछेगा नंबर, भी नंबर का मतलब भी आपने टोटल के लिए फॉर्मूला यूज किया है तो आप यहां पर हमें एक प्रॉपर नंबर दीजिए। तो नंबर हमें कौन सा देने वाला है, भी नंबर हम क्या रहेगा भी हमारा इस 500 से लेके और इस 100 तक इन 4 संख्या का योग आ जाना चाहिए। तो 4 संख्या योग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें कॉलम देखना है, कॉलम कौन सा है, ए कॉलम, और उसकी रो संख्या कितनी है, 2, यानी कि A2 से लेके और कॉलम कौन सा आ गया, D, और रो संख्या कौन सी हमारी, 2, यानी कि D2 तक। तो अब हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, A2 से लेके, इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सेमीकोलन का ये निशान यूज करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, D2, और उसके बाद में हम ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये हमारे सामने इसका रिजल्ट आ जाएगा 1600 का। अब हम इन 4 फिगर्स में अगर कोई भी रिकॉर्ड अगर हम चेंज करते हैं तो इन 4 रिकॉर्ड का चेंज होने के बाद में हमारे पास में ये जो रिजल्ट है वो भी हमारा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहां पर करता हूं 100, तो जैसे मैंने 100 यूज किया, हम चारों की एक बार 100 कर देते हैं, तो 100 4 बार ही है, तो रिजल्ट इसका ऑटोमेटिक साथ के साथ आपका चेंज होता रहेगा। तो आप फॉर्मूला आप यहां से भी देख सकते हो भी मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया हुआ, यहां पर भी बराबर सम, और उसके बाद में मैंने यहां पे प्रॉपर इसको एक नंबर दे दी, यानी कि एक रेंज इसको बता दी, A2 से लेके और D2 तक का इसका टोटल लगा हुआ है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को मैं डिलीट कर देता हूं। अब उसके बाद में नेक्स्ट आगे वाला फॉर्मूला, अगर आप ये सारी चीजें लिखना नहीं चाहते हो तो हमारे सामने एक ऑप्शन यहां पर आ जाता है ऑटो सम का। तो आप ऑटो सम का भी यहां से यूज कर सकते हो। अब इसका फॉर्मूला आपको किस तरीके से यूज करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा भी जो भी आपका रिकॉर्ड है उस सभी रिकॉर्ड को यहां तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने ये रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है A, B, C
और डी का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला आपको ऑटो सम यूज करना है। तो जैसे हम इसके ऑटो सम के ऊपर इस पे सिंबल पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे आप देख रहे हो तो इसका रिजल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। अब ये जो रिजल्ट आने का मतलब हो गया, इसने अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, जो हाथ से हमने टाइप किया था, उस फॉर्मूले को ही ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप कर देगा, आप देख सकते हो। तो हमने पहले डिलीट किया था और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में ये सम, यानी कि आप रिजल्ट दोनों का सेम मिलेगा, फॉर्मूला का दोनों जगह सेम ही यूज हो रहा है। यहां पर पहले हमने मैनुअल टाइप किया था और अब ये ऑटो सम से ऑटोमेटिक इसने टाइप कर दिया। तो ये तो था आपका सेकंड तरीका। अब तीसरा तरीका, हम इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। तीसरा तरीका, आप सिंपल बराबर टाइप हम करेंगे सम और उसके बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देन आपको करना क्या होगा, जो हमारे कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट राइट और अप डाउन की जो की होती है, एरो की, नेविगेशन की, हम जिसको बोल देते हैं, उसको आपको करना क्या होगा, लेफ्ट साइड से एक बार इस पे आ जाए, बिना कुछ दबाए केवल आपको लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद वापिस आप उसी लेफ्ट बटन को यूज करोगे। तो जैसे हम यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला यहां पर भी आ जाएगा, क्योंकि हमने ये यूज किया था भी, हम लगातार इधर प्रेस करते कि अगर मान लीजिए आपको ए का नहीं चाहिए तो आपको ए को छोड़ सकते हो, बी भी नहीं चाहिए तो बी भी आप छोड़ सकते हो। तो यहां पर फॉर्मूला रहने वाला है सी से लेके डी तक का, लेकिन हम चाहते हैं बी टोटल कंप्लीट हो, तो ए से लेके डी तक का फॉर्मूला, और देन उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जोड़ करने का। अब बात आती है हमारी, अगर हमें ये फॉर्मूला घटाओ का फॉर्मूला, जैसे अभी हमारा जो यहाँ पर प्लस का जो फॉर्मूला यूज हो रहा है जोड़ करने का, वो सेम वही प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला यूज किए वो आप देख सकते हो, वही फॉर्मूला हमने यूज किए। अगर आपकी दो संख्या का टोटल है, जैसे कि यहाँ पर हमने 100 और 200 को एड किया है, तो हमें बराबर सम लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल इसी तरीके से इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, इक्वल C3। अब C3 कौन सा हो गया, C हमारा कॉलम आ गया और 3 ये रो संख्या आ गई, A क्या आ गया, A से A तो कॉलम और 3 रो, और ये हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है, A3 से C3 कर सकते हो या C3 से A3 प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आपका सेम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें घटाव करना हो, संख्या कम करनी हो, तो अब आपको जो संख्या है उसमें से आपको माइनस करना है। जैसा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं 100, तो जैसे मैं 100 लिखूंगा तो आपके सामने देखो ये एरर दिखा रहा है। अब एरर दिखाने का रीजन क्या रहेगा, अब ये कहेगा भी आपका माइनस के साथ 200 जाएगा, ये देखो अब ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हो भी ये संख्या ब्रैकेट में ना आए, आपके सामने माइनस का निशान आए, तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन आएंगे अकाउंटिंग मेथड का, इसको हम यहां से कर देंगे नंबरिंग पे। तो जैसे हम नंबरिंग कर देंगे तो ये आपका माइनस का सिंबल साथ में शो करेगा। अगर हम यहां करते हैं 300, तो 300 में से 300 कहेंगे तो ये बिल्कुल जीरो दिखाएगा। 400 हम करने वाले हैं तो 400 में से अगर 300 कम करेंगे तो ये 100 पॉजिटिव में रहेगा। अगर हम 200 करेंगे तो 200 में से 300 रहेगा तो ये माइनस के सिंबल के साथ आपको 100 दिखाएगा। अब इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार से यूज करते हैं, सीट नंबर 2 पे चलते हैं। अब जैसे कि संख्या, एक संख्या हमारे पास है 500 और एक संख्या है 200। अब इसका रिजल्ट हमें जहां पर भी आपको चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहां इसका रिजल्ट ले सकते हो। हम यहां पर इसकी एक हेडिंग बना देते हैं रिजल्ट की, हमें इस कॉलम के अंदर रिजल्ट चाहिए। अब इस कॉलम में रिजल्ट चाहिए आपका मतलब क्या होगा, अब देखो इसके अंदर हमें करना क्या होगा, यानी कि 500 में से 200 माइनस करनी है। तो पहली संख्या कौन से, उसकी रेंज हम क्या देंगे, A4, A कॉलम 4 नंबर रो, और माइनस क्या करना है, B कॉलम 4, यानी कि A4 में से B4 हमें माइनस करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, इक्वल। अब आपको यहां पर सम लिखने की जरूरत नहीं है, आप रेंज दीजिए A4 और यहां पर आप माइनस का सिंबल यूज करेंगे और देन आप यहां पर B4 एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। या आप सिंपल एड्रेस लिखना नहीं चाहते तो आप सिंपल इसके ऊपर फिगर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, जैसे हम क्लिक करेंगे तो A4 ऑटोमेटिक लिख देगा यहां पर, माइनस हमें B4 आप लिखना नहीं चाहते तो उसके फिगर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए तो ये B4 ऑटोमेटिक लिख देगा, एंटर प्रेस कर दीजिए 300 का रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पर भी अगर हम चाहते हैं भी जहां 500 हमारी फिगर्स हैं उसको हम 100 करते हैं,
अब 100 में से अगर 200 जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, 100। अब आप देख सकते हो ये 100 ब्रैकेट के अंदर दिखा रहा है ओपन एंड क्लोज में, लेकिन हम चाहते हैं भी इसका रिजल्ट हमें माइनस सिंबल के साथ दिखे, तो सेम वही प्रोसेस यहां पर जो आपके पास इस नंबर के अंदर जो मेथड आ रहा है इसको आप अकाउंटिंग से हटा के इसमें हम क्या करने वाले हैं, नंबर को, जैसे हम नंबर करेंगे तो ये आपका माइनस के सिंबल के साथ शो करेगा। तो ये था हमारा घटाव करने का फॉर्मूला। आगे वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है गुणा करने का। अब गुणा करने का मतलब मल्टीप्लाई हमें करना है, तो मल्टीप्लाई मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे कोई संख्या लिखी 4 और इसको मल्टीप्लाई हमें करना है 5 के साथ, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो अब इसका फॉर्मूला हमें किस प्रकार से यूज करना है, सीट नंबर 2 पे हम चलते हैं, तो सेम वही प्रोसेस हम यूज कर लेते हैं। अब मान लीजिए यहां पर हमने एक फिगर हमने नोट की है 40 और यहां पर भी है 50। अब 40 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या 50 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आपका सेम ही आने वाला है, क्योंकि ये दो सबसे बड़ी ऑप्शन होते हैं जोड़ करने के लिए और गुणा करने के लिए। आप 100 में 200 जोड़ोगे तो भी आपका 300 आना है, और 200 के अंदर अगर आप 100 प्लस करोगे तो भी आपका 300 ही रिजल्ट आना है। तो आप प्लस करने, जोड़ करने के लिए या फिर गुणा करने के लिए आप किसी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हो। जैसे कि अब हमें रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट का मतलब A6 मल्टीप्लाई B6, तो हम यहां करें इक्वल का निशान। अब यहां पर भी आपको सम लिखने की जरूरत नहीं, सम हम केवल जोड़ की कंडीशन में लिखने वाले हैं। उसके बाद 40, अब मल्टीप्लाई के अंदर जो हमारे पास में 9 के ऊपर जो स्टार का जो बटन है उसको हम यूज करेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, इनटू ये हमारा 50। आप इसको B6 लिख सकते हो, अदरवाइज आप 50 पे क्लिक करोगे तो B6 ऑटोमेटिक यहां पर लिख देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये 2000 दिखाएगा। अगर हम यहां पर कोई इस टाइप की कोई संख्या चेक करते हैं, 100 करते हैं तो ये 4000 दिखाएगा, 2 करते हैं तो ये 80 दिखाएगा। अब 80 क्यों दिखा रहे हैं, अगर हम 40 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 40 × 80 ही दिखाएगा। तो अब इसका गुणा करने का फॉर्मूला आप यहां देख सकते हो, A6 उसके बाद स्टार, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई का सिंगल, और उसके बाद में B6 जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 80 रिजल्ट आना है, अगर 40 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो भी रिजल्ट आपका 80 ही दिखाएगा। तो ये तो था हमारा मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है भाग का, यानी कि हम किसी संख्या के अगर भाग देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें किस प्रकार से मिलता है। जैसा कि हम यहां पर कोई संख्या लिखते हैं 20 और इसको भाग हम करते हैं 4 के साथ, तो आप देख सकते हो 5 रिजल्ट आ गया, यानी कि 5 × 20, तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिक यहां पर चेंज हो रहा है। संख्या चेंज करते हैं 30 × 5 तो ये 6 आएगा। कोई भी आप संख्या करते हो 5.5 कर दो तो ये उसी हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। तो अब हमें भाग करने के लिए फॉर्मूला किस प्रकार से यूज करना है, अब मान लीजिए हमने कोई यहां पर एक संख्या लिखी है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि एक स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाए। अब उसके बाद में यहां पर हमने कोई संख्या लिखी है 200 और यहां पर संख्या हमें लिखी है 50, अब हमें भाग करना है। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है सेम वही माइनस वाला फॉर्मूला भी, हमें अगर माइनस मतलब कम संख्या से ज्यादा संख्या माइनस करेंगे तो माइनस के साथ दिखाई देगा, और प्लस के साथ करेंगे तो ये माइनस सिंबल हट जाएगा। सेम वही फॉर्मूला, इक्वल का निशान। अब हमें 200 के अंदर 50 का भाग देना है, तो सबसे पहले हमें 200 की फिगर पर क्लिक कर लेंगे, तो आप देख सकते हो ये A7 ऑटोमेटिक लिखा गया। अब उसके बाद हमें भाग का सिंबल, यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल की के 8 के ऊपर जो इस टाइप का सिंबल है वो हमारा भाग का सिंबल है, और इसको हम करेंगे 50 में। एंटर प्रेस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि 50 × 4 अगर मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 50 × 4 हमारा 200 रहेगा। अगर यहां पर हम कर देते हैं 100, तो 100 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि 50 × 100। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, हमने अब मान लीजिए हम कहते हैं 50 के अंदर 100 का भाग देना है, तो पहले आपको 50 पे क्लिक करना है, देन आप भाग का निशान यूज करोगे, देन आप 100 पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका 0.5 के साथ आएगा। अगर हम यहां पर कर देते हैं 2 तो ये 0.2 आएगा, यहां पर हम कर देते हैं 300 तो ये 3 आएगा। तो यानी कि अब ये 300 को भाग कर रहा है 100 में। तो जिस तरीके से आप यूज करना चाहें मेथड आप चेंज करके देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में परसेंटेज का, तो यानी कि परसेंटेज का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, तो परसेंटेज का फॉर्मूला आप देख सकते हो कि अगर हम किसी भी संख्या की अगर परसेंटेज अमाउंट निकालनी हो तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 100 का अगर 18% हमें निकालना हो तो 18 रुपए आएगा,
इसी तरीके से अगर हम 200 का अगर 18 निकालेंगे तो ये 36 आ जाएगा, अगर 200 का हम 20% निकालने वाले तो 40 आएगा। तो यानी कि ये इसका परसेंटेज के साथ में आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हम किस प्रकार से यूज करने वाले हैं, तो इसके फॉर्मूले के हम सेम वही यहां पर हमारा एक डेटा लिखते हैं कुछ। अब मान लीजिए कोई फिगर आपके पास में है 500 और हमें 500 का मतलब 30% हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे 30 यूज करेंगे, हमने 30 लिख दिया। अब इसका रिजल्ट हमें यहां चाहिए, तो अब रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इक्वल का निशान हम यूज करेंगे। अब 500 का 30%, तो सबसे पहले हम क्या करें 500 का, तो 500 की फिगर पर क्लिक करना है, ठीक है 500 का 30% तो इंटू 30, अगर हम 500 इंटू 30 करेंगे तो ये आपको एक बार 15,000 दिखाएगा। लेकिन अब हमें चाहिए परसेंटेज। अब परसेंटेज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, आप सीधा सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे 500 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, तो इस तरीके से अगर हम यूज करेंगे एंटर प्रेस करेंगे तो 150 आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब हम जाते हैं ये जो अमाउंट आई है ये इसके साथ में आगे परसेंटेज का सिंबल भी लगा होना चाहिए, तो परसेंटेज का सिंबल हम यूज कहां से करेंगे, जहां से अपने अकाउंटिंग मेथड यूज किया था तो वहां से हम परसेंटेज स्टाइल भी यूज कर सकते हैं। तो हमने परसेंटेज स्टाइल यूज कर लिया, अब हमें परसेंटेज स्टाइल यूज करने के लिए वापस फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा 500 मल्टीप्लाई 30। अब इसके अंदर आप करोगे तो अब यहां पर देख सकते आपने 30 यूज किए, ठीक है तो अब आपको 30% है, तो सबसे पहले हमें इस फिगर के साथ में भी परसेंटेज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है अब परसेंटेज यूज करेंगे तो अब खाली हमें 30 लिखना है, तो जैसे हम 30 लिखेंगे ठीक है और यहां पर अब हमें आपको भाग का निशान देना नहीं है, तो अभी इसका फॉर्मूला दोबारा हम क्या रहेगा, भी इसका रिजल्ट परसेंटेज की अमाउंट के साथ हमें दिखे, तो अब फॉर्मूला दोबारा जो हमारी अमाउंट है 500 × 30%, तो ये आपको एक बार 15,000 में दिखाएगा। तो अब आपको यहां से परसेंटेज हटानी पड़ेगी क्योंकि आपने परसेंटेज इस 30 के ऊपर दे चुके हो, तो अब इसके अंदर आपको परसेंटेज आप यूज नहीं करोगे, तो इसके अंदर हम नॉर्मल नंबर यूज करेंगे, तो जैसे हम नंबर यूज करेंगे तो ये 150 की अमाउंट दिखाएगा। अगर आपने यहां परसेंटेज यूज करे हो तो आपको यहां करने की जरूरत नहीं है, दोनों में एक जगह ही आपको यूज करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर कोई यहां पर फिगर हम चेंज करते हैं 200 करते हैं, तो 200 का 30% 60 रुपए, अगर यहां पर हम कोई चेंज करते हैं 40 की तो ये 80, तो इस तरीके से हम इसका परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज यहां यूज करना है तो यहां से आपको हटाना पड़ेगा, दोनों में एक जगह ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में परसेंटेज टोटल, यानी कि परसेंटेज टोटल का मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। आप देख सकते हो हमने यहां पर 100 लिखा 18 लिखा, टोटल आ गया 118, यानी कि 100 तो बेसिक वैल्यू है, उसके बाद में जो 18% बना है वो साथ में जुड़ के आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहां पर फिगर चेंज करते हैं 150, तो 150 का 18% जितनी भी अमाउंट आएगी वो उसके अंदर एड हो चुकी है। हम इस फॉर्मूले को अलग व्यू से देखते हैं, जैसा कि हमने यहां पर एक अमाउंट हम लिखते हैं 200, ठीक है सेम फॉर्मूला रहेगा, उसके बाद हम कहते हैं ये 200 का 40%, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 200 का 40% हम निकाल के देखते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इक्वल का निशान 200 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100, तो आप 80 का आ गया। अब हम चाहते हैं भी 200 और 80 का टोटल जुड़ के यहां पर आना चाहिए, तो इक्वल 80 भी साथ जुड़ना चाहिए प्लस 200 साथ जुड़ना चाहिए, यानी कि टोटल वैल्यू विद परसेंटेज के आने अमाउंट जो बनेगी बेसिक वैल्यू और परसेंटेज अमाउंट दोनों जुड़ के टोटल यहां पर आ गया है। अब हम चाहते हैं भी ये हमें ये जो अमाउंट 80 हमने लिखा ये कहीं पे शो करना नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सेम हम एक बार इसको नीचे करते हैं। तो अब हमें क्या करना है यहां पर आपको परसेंटेज यूज ही नहीं करना, अब आपको यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करना है इक्वल जो आपकी अमाउंट है उस पर क्लिक करना है मल्टीप्लाई। अब आपको ये चीज देखना है भी जितनी आपकी संख्या है जैसे यहां पर 40 है तो आपको यहां पर क्या करना है 1.40, तो अमाउंट देख सकते हो यहां पर फॉर्मूला अमाउंट के साथ में ये चीजें आ चुकी है 280, यानी कि आपको यहां पर 80 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से फॉर्मूला हमने यूज किया, अब मान लीजिए यहां पर संख्या आपकी 50 है, अब उसके बाद आपको यहां पे क्या करना होगा इक्वल का निशान आपको यूज करना है, देन जितनी आपकी परसेंटेज है
वन उसके साथ में 1.5 लगा दो, जितने परसेंटेज उसके साथ में 1 और ऐड कर दो, तो आपका ये यानी कि 100 का 200 का 50% कितना हो जाएगा 100, और 100 में 200 जोड़ेंगे तो ये 300 का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि हर एक अकाउंटेंट के नॉलेज में होना जरूरी है। ये इस टाइप के जो बेसिक फॉर्मूले है ना, इनकी जरूरत हमेशा एनी टाइम आपको, चाहे आप अकाउंटिंग करते हो, चाहे आप एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे आप डाटा एंट्री का वर्क करते हो, सभी जगह इस टाइप के फॉर्मूला की यूज पड़ती ही रहती है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे पास हम इन सभी एडवांस फॉर्मूला के बारे में हम सीखते जाएंगे, जैसा कि हमारा फाइनेंस से रिलेटेड है, लॉजिकल से रिलेटेड है, टेक्स्ट से रिलेटेड है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा अकाउंटेंट के लिए यूज होने वाला लुकअप और वी लुकअप फॉर्मूला, इन सब के बारे में हम पूरा प्रैक्टिकली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक देकर जरूर जाना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी इसी टाइप की वीडियो लगातार मिलती रहेगी।